हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप्स विद सुभाशीष चैनल से, मैं सुभाशीष कोलकाता से। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगर जिन जिन भाइयों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। तो ये जो मैं टॉपिक बनाया हूँ कबूतरों का वीडियो, सॉरी डिवर्मिंग के लिए, ये पार्ट 3 है, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाए, ऑलरेडी ये वीडियोस मैंने अपलोड किया है, और ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये है कबूतरों का डिवर्मिंग पार्ट 3 इन क्रिटिकल स्टेज, ठीक है। मैंने जो इस पहले जो वीडियो 2 अपलोड किया है, अगर ये जो 2 मेडिसिन मैंने दिखाया, सबसे पहले एक बेंडिकाइन प्लस, दूसरा पाइपर वेड यानी पाइपरजिन हाइड्रेट। तो अगर उसके बाद ये 15 दिन के जैसे जैसे मैंने दिखाया, अगर आप डिवर्मिंग करते हो तो इस मेडिसिन का या ये क्रिटिकल स्टेज आने की कभी नौबत नहीं आएंगे कबूतरों में, मैं उम्मीद करूँगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट खतरनाक या डेंजरस सिचुएशन होता है। और वो एक बात है कि पहले जो 2 वीडियो अपलोड किया, मैंने एक बात बोलना भूल गया, वो था जिस दिन आप डिवर्मिंग करोगे, मान लीजिए सुबह सुबह ही डिवर्मिंग करना चाहिए, सुबह सुबह खाली पेट जब आप डिवर्मिंग करोगे, दोपहर के टाइम मतलब पानी पिलाने के बाद कबूतरों के अंदर पेट से कीड़े निकलेंगे ही निकलेंगे, अगर पूरे फॉर्म्स पे ना निकले तो टुकड़े टुकड़े में भी निकलेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, घर के अंदर यानी लॉफ्ट के अंदर थोड़ा फिनाइल लेना है, फिनाइल जो काला फिनाइल होता है घर बार बाथरूम साफ़ करने के लिए फिनाइल, उस फिनाइल थोड़े मग में पानी पे मिला के उस फिनाइल का पानी थोड़ा घर के अंदर छिड़काना है, ठीक है। पानी थोड़ा घर गीला हो गया, उसके बाद कुछ पत्ती से, जो मैंने पहले दिखाया था, पत्ती से आप घर को पूरा साफ कर दीजिएगा, क्योंकि कीड़ा निकलने के बाद फिर से अगर वहीं पर कबूतर चोंच मारता है, दाना खाने के लिए कुछ भी चोंच मारता है, तो कीड़ा उसके मुंह से फिर से इंटेस्टाइन पे जाने का खतरा रहता है, फिर से वो शरीर के अंदर जाके फिर से वो अपना तादाद बढ़ाएगा, ये कहा जाता है, ये जानता हूँ, ये मेडिकल साइंस पे इसको कहा जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। मर गया तो ठीक है, फिर भी उससे भी हो सकता है, तो अगर आप फिनाइल से साफ करते हो तो ये खतरा नहीं रहता, ये ज़रूर कीजिएगा। और उस टाइम पे कोई विरकॉन एस वगैरह, कोई डिसइंफेक्टेड जो मैं दिखाता हूँ, वो कभी स्प्रे मत कीजिएगा, ये था बोलना, बाकी था। तो आता हूँ मेन टॉपिक पे, ये जो केसेस है बहुत क्रिटिकल केस होता है कबूतरों पे। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है निरंजन माइती, वो कोलकाता के काकुरगाछी में रहते हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो उनके साथ उससे पहले मेरा मुलाकात हुआ नहीं था, उन्होंने मुझे कुछ कबूतर के बच्चे मुझसे परचेस किए थे, तो उसके हिसाब से उनके साथ मेरा परिचय हुआ। तो क्या हुआ था, उनके घर पे ऐसा हो रहा था, उनसे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, तो मेरे घर पे ऐसे कबूतर मुंह हाथ सांस फुला के मर रहे, क्या करे। तो मैंने कहा था कि मैं तो ऐसा नहीं जानता, आप एक काम करो, आप हमारे जो बेलगाछिया हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल कोलकाता का, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर दिखाए। तो बदकिस्मती से वहीं पर जाते जाते एक कबूतर की मौत हो गई। तो मैंने कहा वहाँ पर एक पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट होता है, आप लोग भी जान लो जो कोलकाता से वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे एक पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट होता है लेबोरेटरी, वहाँ पे रिसर्च किया जाता है, कोई भी जानवर अगर मरता है तो आप चाहे तो वहाँ पे लेके पोस्टमार्टम करवा सकते हो कि किस बीमारी या किस कारण से इसका मौत हो गया। तो वहाँ से जब उन्होंने वो पोस्टमार्टम करवाए तो वहाँ से देखा गया कि उसके पेट में यानी इंटेस्टाइन, पूरे आँतों में इंटेस्टाइन पर कीड़ा वॉर्म्स भर चुके हैं, तब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, उसके बाद से पूरा लाइम्स वॉर्म्स ऐसे निकल रहे। वो वीडियो मुझे भेजे थे लेकिन बाय चांस डिलीट हो गया, लेकिन उस वीडियो को मैंने रिकवर करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो उस टाइम पे वहाँ पे डॉक्टर ने बाकी जो कबूतर उनके घर पे जिंदा बचे थे, उनको उन्होंने ये मेडिसिन दिया था, इस मेडिसिन का नाम है ड्रॉन्टल प्लस, ध्यान से सुनिएगा, ड्रॉन्टल प्लस। तो उसके ऊपर मैंने और रिसर्च किया तो उसका ही एक सब्स्टिट्यूट है, उसी का है ड्रॉन्टल पपी सिरप। ड्रॉन्टल प्लस होता है कुत्ते या डॉग्स और कैट्स को दिया जाता है, बड़े जानवर के लिए ड्रॉन्टल प्लस एक टैबलेट होता है, ठीक है। और ड्रॉन्टल पपी सस्पेंशन होता है, थोड़े लाइट सेम फॉर्मूलेशन है लेकिन इसका डोज थोड़ा लाइट है, लो है, तो ये कबूतरों को आप दे सकते हो, वो थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा स्ट्रांग है, बिना डॉक्टर के परमिशन के देना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर इस पे डाउट लगे तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो ड्रॉन्टल पपी सिरप जो मैंने कहा उसका कंपोजिशन मैं आपको दिखा दूंगा, अगर ये ना मिले तो इस कंपोजिशन का ले। तो इसका सिस्टम है 1 ml पर kg बॉडी वेट के दिया जाता है, यानी 1 ml 1 kg बॉडी वेट के जानवर के लिए है। तो कबूतरों को आप कैसे दें,
कबूतरों को आप देना है 1.5 या 2 लीटर पानी बनाए, जैसे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ ऐसे आप बॉटल पे पानी ऐसे 2 लीटर थोड़ा सा ले लीजिए पानी, 3 ml लेना, ओनली 3 ml, 3 ml इसमें आप डाल के पानी बना के कबूतरों को पिलाओ। स्पेशली जो कबूतर ऐसे आपको दिखेगा, सिम्टम्स आपको दिखेगा, ऐसे मुंह को ऊपर करेगा, कांक कांक ऐसे आवाज़ करेगा, और उसके पॉटी से भी कीड़ा निकलेगा, यहाँ तक कि मुंह से अगर वॉमिटिंग करे तब भी वो कीड़ा निकलेगा, इतना उसका हालत ख़राब हो जाता है। तो क्या करना है, उस पानी आपने जो बनाया उसमें से 10 ml सिरिंज का पानी स्पेशली उस कबूतर को पकड़ के आप पिला दो, ठीक है, खाली पेट रहना चाहिए। अगर आप चाहो तो 1 कप पानी लेना, और एक अच्छा टिप्स देता हूँ, 1 कप पानी पे आप 3 से 4 बूंद ड्रॉप्स आप डालो, 3 से 4 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 ml होता है 10 बूंद, ठीक है, 1 ml होता है 10 ड्रॉप्स, ठीक है, उसका आप और भी थोड़ा कम लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, अच्छा मान लीजिए 2 या 3 ड्रॉप्स, 1 कप पानी में 2 या 3 ड्रॉप लेके उसको अच्छे से घोल लीजिए, घोलने के बाद सिर्फ 10 ml पानी, इतना ही सिर्फ 10 ml पानी उस कबूतर को आप पिला दो, पिला के उसको रख दो। अच्छा, बाई चांस अगर आपको ये मेडिसिन मतलब ड्रोंटल पपी ना मिले तब आप ये ड्रोंटल प्लस टैबलेट लेना, इसका डोज है 1 tablet per 10 kg बॉडी वेट, यानी 1 tablet 10 kg बॉडी वेट के जानवर को दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप आधा टैबलेट, इस टैबलेट का आधा टुकड़ा करें, उस आधे टुकड़े को अच्छे से कहीं पे खरर पे या हमान दिश्ते पे पीस ले, पीस के पाउडर करने के बाद वो 2 लीटर पानी, इसमें पानी ज़्यादा होना चाहिए, 2 लीटर पानी पे आप बना के रखें, फिर 50 से 60 कबूतरों को ये पानी पिलाना, ठीक है। अच्छा, पानी पिलाने के बाद सुबह सुबह आपने पानी पिलाया हर डिवर्मिंग के, ये भी सुन लीजिए, ये भी एक पॉइंट छूट गया था, हर देने के बाद आप और शाम के टाइम पे इलेक्ट्रॉल लेना, इलेक्ट्रॉल प्लेन सफ़ेद और ग्रीन कलर का जो पाउच आता है इंसान ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉल आप 1.5 चम्मच या 1 चम्मच इलेक्ट्रॉल पाउडर, और मैंने पहले दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो पे विजिलैक प्रोबायोटिक, मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा, विजिलैक प्रोबायोटिक इंसान के बच्चों को दिया जाता है, सबसे सस्ता और अच्छा प्रोबायोटिक होता है, सिर्फ 38 रुपये इसका दाम है, विजिलैक प्रोबायोटिक ऊपर का ढक्कन का एक ढक्कन पूरा आप 1 लीटर पानी पे दे दो, जैसे मैंने ये बॉटल दिखाया 1 लीटर के पानी पे ये 1 चम्मच ये 1 ढक्कन दे के आप पानी बना के सारे कबूतरों को वो पानी पिलाना, क्योंकि स्पेशली गर्मी के टाइम पे कबूतरों का ये जो मेडिसिन है थोड़ा थका देता है, कमज़ोर कर देता है, होगा ही, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इसीलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन देने के बाद ज़रूर आप ये पानी पिलाना, कबूतर का प्रेशर फॉल्ट नहीं होगा। जी हाँ, कबूतरों का भी प्रेशर फॉल्ट हो जाता है, कबूतर इसकी वजह से भी मरता है, आप मुझे मत दोष दीजिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको डाउट लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर पिछला जो मैंने जो मेडिसिन दिखा अगर उससे आप डिवर्मिंग कराते हो तो आपको इस मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं उम्मीद करूँगा। तो यही था, इस दवा को आप नोट कर लीजिए, ये पार्ट 3 था, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे भाई तक ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हाँ, मैं उम्मीद करूँगा वीडियो को और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने की, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ। तो याद रखना, ये मेडिसिन यही दिखाना था, अगला ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि लाइव वर्म्स, हाँ मेरे वो जो मेडिसिन मैंने दिखाया उस मेडिसिन से ही मेरा काम हो गया, एक ज़िंदा कीड़ा निकला है वर्म्स, मैंने वो वीडियो पहले बना चुका हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे डिवर्मिंग का कोर्स करवाना है कबूतरों को, और ये 2 महीने पहले मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप देखिएगा, इसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके बाद मैं कबूतरों को वैक्सीन लेके आपको समझाऊँगा कि मैं किस तरीके से कबूतरों को वैक्सीन करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें और ध्यान से देखा करें, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में इन्फॉर्मेशन लेते रहूँगा कबूतरों के रिलेटेड, क्योंकि कबूतर को तो लोग शौक से प्यार मोहब्बत से लेके आते हैं, लेकिन तजुर्बा ना होने की वजह से, बीमारियों ग्रस्त होने की वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं कबूतरों से कि हमने क्या मुसीबत पा लिया। तो ऐसा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ऊपर वाला आपका भला करे, टेक केयर, थैंक यू।